बनर्जी ने अपने एक बयान में कहा था कि अगर पीएम मोदी भगवान हैं तो हम उनके लिए मंदिर बनवाएंगे, फूल और भोग भी चढ़ाएंगे, जिस पर तंज कसते हुए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आने वाले नतीजों को देखकर बहुत सारे राजनेताओं के होश उड़ने वाले हैं। परमात्मा की जगह कोई नहीं ले सकता। हम डॉक्टर को भगवान का रूप कहते हैं लेकिन वो भगवान नहीं बनते। बात का भाव समझना हर एक के बस की बात नहीं है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में कहा था कि पंजाब वाले उन्हें 13 MP दें तो वो पंजाब का पैसा वापस लेकर आएंगे, जिस पर विज ने कहा कि केजरीवाल को हवा में तीर छोड़ने की आदत है। उन्हें पता है कि अब पंजाब के लोग उनका झूठ और फरेब समझ चुके हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए केजरीवाल जी हवा में तीर चलाने में माहिर है। उनको पता है कि पंजाब में अब इनका झूठ फरेब मक्कारी चलने वाली नहीं है, इसलिए इस प्रकार के लफ्जों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा है, आने वाले नतीजों को देखकर बहुत सारे राजनीतिज्ञों का जो होशोवास उड़ गई है और जो बहके हुए लोग होते हैं वही इसी प्रकार की बात करते हैं। परमात्मा तो परमात्मा है, अपनी जगह है, लेकिन कई बार हम कहते हैं कि डॉक्टर तो भगवान बन के आया हमारे पास, वो भगवान थोड़ा बन गया, भगवान बन के आया। तो ये तो भाव की बात है और भाव को समझना हर आदमी के बस की बात नहीं। वही मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि हमें बीजेपी वालों से भी ज्यादा विश्वास है, हम जीतने वाले हैं और वे हारने वाले हैं, जिस पर विज ने कहा कि 4 तारीख को 400 पार का नारा सच होने वाला है और एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। वही दूसरी ओर हरियाणा में कांग्रेस नेता ने अपने ही कार्यकर्ताओं पर भाजपा को वोट डलवाने के आरोप लगाए हैं, जिस पर विज ने कहा कि लोगों की अंतरात्मा ने भाजपा को वोट करने को कहा है। ऐसा है, लोगों की अंतरात्मा ने कहा है कि मोदी जी को वोट डालो और भारतीय जनता पार्टी को वोट डालो। चलो 4 तारीख को सबका सच झूठ पता लग जाएगा, मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हमारा ही 400 से ज्यादा सांसद जीत गया है।